नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं पटना की 20 बड़ी खबरों के साथ। रविशंकर प्रसाद ने पटना में 3 दिवसीय रोजगार मेले का किया उद्घाटन। बिहार विकास मिशन की बैठक में सीएम नीतीश का आदेश, अस्पतालों में 24 घंटे रहें डॉक्टर। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में किसके सर सजेगा ताज, फैसला होगा आज। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर के कई हॉस्टलों में पुलिस की छापेमारी, हिरासत में दर्जनों छात्र। राजद ने कहा नीतीश जी को अब किसी यात्रा पर नहीं बल्कि संन्यास यात्रा पर जाना चाहिए। 14 दिसंबर से राज्य के नगर निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से लगेगी प्रतिबंध। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश के 6 करोड़ गरीबों को बनाया जा रहा है डिजिटल साक्षर। बिहार कैबिनेट के 21 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षकों के वेतन को 1247 करोड़ स्वीकृत। फुलवारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, पुलिस ने चलाई लाठियां। हड़ताली मोड़ से धोबी घाट तक चला बुलडोजर, तोड़े गए मकान और दुकान। मुठभेड़ में सिपाही मुकेश के शहीद होने के बाद पटना जिले की सीमा सील, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। जदयू विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ पप्पू यादव ने खोला मोर्चा, फौरन गिरफ्तारी की मांग। बिहार के संसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा विशेष अदालतों को का हो गठन। बिहार सरकार कृषि मजदूरों का कराएगी सर्वेक्षण। बिहार में फिर लगेगा बिजली का झटका, बढ़ने जा रही है कीमतें। IGIMS छात्र सुसाइड मामले को स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम करेगी जांच। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पटना साइंस कॉलेज में चली गोली, 3 गिरफ्तार। रांची से पटना के लिए साप्ताहिक विंटर सेशन ट्रेन 8 दिसंबर से शुरू। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स को हराकर गुजरात प्ले ऑफ में दिल्ली भी जीता। बेल्ट्रॉन में संवादी कर्मियों के निधन पर 4 लाख की अनुग्रह राशि। ये थी दिन भर की 20 बड़ी खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। बने रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर जो कल न्यूज लेकर के आए पटना की वो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।